जाने का डर हमेशा लगा रहता है, पर हम कभी कभी रास्ता भटक कर सही जगह पर पहुंच जाते हैं, ऐसी जगह पर जहां हमारी जरूरत होती है। राजा विक्रम के साथ भी आज कहानी में यही होने वाला है, पर कैसे ये तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। आपका स्वागत है महाराज। न खोटा कभी बोला न खोटा कभी तोला, इसमें है बड़ी ही अद्भुत सी चीज, एक अनोखा सा उपहार, समझो जैसे चमत्कार। बस और न पहनाओ वाक्यों के हार, खोल दो इसके द्वार। अरे वाह, कविता बन गई। ये क्या, तो ये है तुम्हारी अनोखी और अद्भुत सी चीज? हमें तो उड़ने वाले घोड़े देखने हैं महाराज। महाराज, न खोटा कभी बोला न खोटा कभी तोला, ये घोड़ा सब घोड़ों से अद्भुत है, एक बार सवारी करके तो देखिए। तुमने बहुत देर कर दिया आने में व्यापारी, क्योंकि लकड़ी के घोड़े पर बैठने की उम्र निकल गई महाराज की। कुछ बात तो होगी इस घोड़े में, वरना यह व्यापारी एक मामूली से घोड़े को लेकर यहाँ नहीं आता। चलो देखे तो सही, इस घोड़े में ऐसी कौन सी अनोखी बात है। इसे घुमाने से ही घोड़े की उड़ने की गति को कम और ज्यादा किया जा सकता है, और ये डंडा समझो इसकी लगाम है, और इसे दबाने से घोड़ा उड़ने लगता है, लेकिन इसको अभी दबाना नहीं। अरे अजीब मुसीबत है ये घोड़ा तो। चलो अच्छा हुआ, बला तो टली, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, क्योंकि यहाँ जो आता है वो लौट कर नहीं जाता, बल्कि इसी मिट्टी की खाद बन जाता है। मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाओ उस दूत को जकड़ कर लाओ, जाओ। महाराज एक और तुम लोग अनेक, बहुत गलत बात है ये। चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते इंद्रदूत। इंद्रदूत? मैं कोई इंद्रदूत नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम, और ये बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो रास्ता भटक गया था और यहाँ आ गया, लेकिन ये इंद्रदूत की क्या कहानी है? हम सब यहाँ बहुत शांति से रहते थे, और ये जगह स्वर्ग से कम सुंदर नहीं थी, और एक दिन स्वर्ग से ही तो अप्सराएं यहां आई। रंभा, उस बूटी को छूने मात्र से ही अजीब सी चमक आ गई है,
तुम भी छूकर देखो जरा, ये तो चमत्कारी बूटी है। मेरे कंधे पर एक जख्म था, वो भी भर गया। और देखो यहाँ तो ऐसे कई सारे पेड़ हैं। चलो इन सभी बूटियों को इंद्रलोक ले चलते हैं, इंद्रदेव भी काफी प्रसन्न हो जाएंगे इससे। तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए तुम कैसे एक पौधे की हत्या कर सकती हो? उसमें भी जान है। तुम चाहो तो यहाँ से बीज ले जा सकती हो। तुम मुझे मना कर रहे हो, उर्वशी को? जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम जो भी हो, तुम इस पौधे को हाथ नहीं लगा सकती। एक नन्हे से पौधे के लिए इतनी बहस, लगता है बहुत छोटा दिल है तुम्हारा। दिल तो तुम्हारे अंदर नहीं है निर्दयी इंसान, अपने छोटे से फायदे के लिए किसी की जान लेना चाहती हो। तो ठीक है बड़े दिल वाले पेड़, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा दिल हमेशा रिश्ता रहेगा और सबको दिखता रहेगा, और उसी रिश्ते हुए दिल से तुम्हारे स्वर्ग को नर्क बनाने वाले नए नए पौधे जन्म लेते रहेंगे। अब कोई उपाय तो होगा ही। उपाय है, वहाँ पहाड़ी के ऊपर रंभा एक दैत्य वृक्ष को द्वारपाल की तरह खड़ा कर गई है। अगर उसके तने के रस को मेरे इस दिल पर लगाया जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर तुमने ये अब तक क्यों नहीं किया? क्योंकि श्राप के अनुसार अगर मैं उस वृक्ष के पास जाऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा, और वो उसे खत्म करना मेरे इन नन्हे पौधों के बस का नहीं। आप सब मुझे भले मालूम होते हैं और आपकी कहानी सच्ची। तो ठीक है महान वृक्ष, मैं वादा करता हूँ कि आप सबको इस श्राप से मुक्त करवाऊंगा। महाराज विक्रम की जय। हम यहाँ जंग करने नहीं आए हैं वृक्ष प्रधान, आप बस हमें अपने तने का रस दे दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। कमाल है, हम प्यार जता रहे हैं और आप कांटे बरसा रहे हैं। मुंजा, तुम इन छोटे पौधों को संभालो, मैं सीधा उस विशाल वृक्ष पर आक्रमण करता हूँ। योजना बदलनी होगी, दुश्मन नया तो अंदाज क्यों हो पुराना। उपाय सोचना होगा। इस वृक्ष को ऊर्जा सूरज से मिल रही है, सूरज नहीं होगा तो ये कमजोर पड़ जाएगा। इस जगह पर शायद सूरज नहीं ढलता। मुंजा, तुम एक काम करो, सूरज को ग्रहण लगा दो। सूरज को ग्रहण? ओ समझ गया। Hey!
अंत भला तो सब भला। जितना भी विशाल हो दुश्मन का आकार, लेकिन जब सामने आती है सच्ची वीरता की धार, तो सब हो जाते हैं तार तार। तो हिम्मत ना हारो कभी, बस लड़ते रहो सभी।